हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी एंड मॉम केयर विद किरण। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिनके घर पर अभी न्यूबॉर्न बेबी है या फिर जिनके बच्चों की एज अभी 1 ईयर से कम है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर एंड तक बच्चों के लिए सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है, इसीलिए थोड़ा सा भी वेदर चेंज उनके लिए काफ़ी बड़ा चेंज होता है, स्पेशली अगर यह बच्चे की पहली सर्दी है उस केस में, यानी कि आपके बच्चे की एज अभी 1 ईयर से कम है उस केस में। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है तो उस केस में आपको यह चीज़ें अभी मार्केट से जाकर परचेज कर लेनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो तो आप अपने बच्चों के साथ उन चीज़ों को आराम से यूज कर सके, जिससे आपका बच्चा बीमार ना पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यह वीडियो। वैसे तो विंटर की शॉपिंग हम छोटे बच्चों के लिए करेंगे ही, लेकिन इसी समय पर हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा, जो कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा चेंज होता है। तो फर्स्ट है कि कुछ बच्चों के लिए हमें कपड़े अभी परचेस कर लेने चाहिए, जैसे बच्चों का 1 पीस या बेबी रैम्पर, इसके 2-3 सेट आप अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि इससे बच्चा पूरी तरह से कवर रहता है नीचे से लेकर ऊपर तक। स्टार्टिंग की ठंड में हमें यह कपड़े बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसके साथ साथ आप बच्चों के लिए विंटेज कॉटन के सॉक्स, कॉटन की कैप इसी टाइम पर परचेस कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप कुछ विप्स का भी सेट अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चा दूध पीते समय अक्सर ही दूध को गिरा देता है, जिससे कि बच्चे के कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर आप बच्चों को विप्स पहनाएं तो बच्चों के कपड़े गीले नहीं होंगे, और अक्टूबर के एंड तक हम बच्चों को ज़रा सा भी गीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उससे बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों के लिए इनर्स, थर्मल्स, यह सब अपने पास रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइम पर आप अपने बच्चों के लिए 2 ब्लैंकेट जरूर खरीद लीजिए, और बच्चे के ब्लैंकेट खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों के लिए आपको फर वाला या रुए वाला ब्लैंकेट नहीं लेना है, क्योंकि ज़रा सा भी रेशा उस निकला तो बच्चे के हाथ में चिपक सकता है और फिर वह नाक या मुंह में जा सकता है, जिससे कि बच्चे को सफोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बेबी 2 मंथ से बड़ा है तो हमें उसे ठंड के मौसम में स्लीपिंग बैग में ही सुलाते हैं, इसीलिए आप स्लीपिंग बैग जरूर परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में हम बच्चों की मालिश कोकोनट ऑयल से करते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में हमें बच्चों की मालिश का ऑयल भी चेंज करना होता है, इसलिए बच्चों की मसाज करने के लिए आपको ऑलिव ऑयल, बादाम रोगन या तिल के तेल का यूज़ करना चाहिए, इसीलिए आप यह भी परचेस करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका बच्चा भी 3 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप 2 बड़ी मैट जरूर परचेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो आप ज़मीन पर बच्चों को नहीं छोड़ सकते, और 3 मंथ से बड़े बच्चों को आप बैग पर भी नहीं बिठा सकते, ना ही गोद में ले सकते हैं, तो आप फ्लोर पर मैट बिछा दीजिए, जिससे बच्चा आराम से फ्रीली मोड में खेल सके और क्रॉल कर सके, बैठ सके, और बच्चे की ज़मीन से ठंड भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्दी के मौसम में अक्सर ही बच्चों को सर्दी, जुखाम, खांसी होना बहुत ही कॉमन सी बात होती है, इसलिए आप अपने घर में एक स्टीमर जरूर रखें, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को सर्दी, जुखाम, खांसी होने पर यह बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आपको एक ऑयल रूम हीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको यह भी परचेस कर लेना चाहिए। जनवरी में इतनी ठंड होती है, इसलिए आप दिसंबर तक ही इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर ही सर्दी के मौसम में बच्चों की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उस केस में आपको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने बच्चों को नॉर्मली बच्चों
के लिए मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते हैं तो भी आपको सर्दियों में बच्चों के लिए मॉइस्चराइजर यूज करना ही पड़ता है। उस केस में आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर बच्चों के लिए ज़रूर परचेस करके रख लीजिए। जैसे ही ठंड स्टार्ट हो आप बच्चों को मॉइस्चराइजर यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद